गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर। मेरे ख्याल से सेकंड चैप्टर तक कंप्लीट हो गया था ना। और इसकी पीडीएफ भी सब बच्चों को मिल गई होगी। तो भाई कॉपीज़ भेज दीजिए चेकिंग के लिए, कॉपीज़ और बुक्स दोनों, क्योंकि बुक्स में भी कुछ कुछ काम किया है और कॉपीज़ में भी कुछ कुछ काम किया है ना। तो हम आज पढ़ते हैं फन विथ द फैमिली। हम अपनी फैमिली के साथ रह के क्या क्या मज़े करते हैं उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें आपके जैसे एक छोटी सी बच्ची की कहानी है, वो उसका नाम है नीतिका। तो वो आप सब बच्चों को हेलो बोल रही है। हेलो, माय नेम इज़ नीतिका, रवि इज़ माय ब्रदर, मेरे भाई का नाम रवि है। ये नीतिका बोल रही है। अब थोड़ी देर सोच लो कि मैम नीतिका हैं, ठीक है। तो मैं आपसे कह रही हूँ हेलो माय नेम इज़ नीतिका एंड रवि इज़ माय ब्रदर, रवि मेरा भाई है। वी स्टडी इन द सेम स्कूल, हम दोनों एक जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही स्कूल में, सेम स्कूल में। अब भी तो रॉयल इंटरनेशनल में जब आते हो तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे ना जिनके भाई बहन सब इसी स्कूल में होंगे, है ना, ताकि एक साथ आ जाओ, एक साथ आराम से चले जाओ। आफ्टर डूइंग अवर होमवर्क, हम अपना होमवर्क करके बहुत थक जाते हैं, वी फील टायर्ड, सो वी नीड सम फन। तो उसके बाद हमें कुछ मौज मस्ती की ज़रूरत होती है ना, मज़े करने की ज़रूरत होती है, कुछ रिलैक्स करने की ज़रूरत होती है। तो वी हैव फन व्हेन वी डू थिंग्स वी एंजॉय। और हमें कब मज़ा आता है, अच्छा ये बताओ आपको कौन सा काम करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, जो काम करना आपको पसंद है। मान लीजिए कि आपको खेलना पसंद है क्रिकेट, तो और आपको मैं दे दूं कि भाई जाओ खेलो बैट बॉल आराम से, जितना मर्जी क्रिकेट खेलो तो आपके तो मज़े आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको पेंटिंग करना पसंद नहीं है और मैं आपको ज़बरदस्ती बोलूँ कि नहीं तुम तो पेंटिंग बनाओ, पेंटिंग बनाओ, तो गुस्सा नहीं आएगा क्या मैडम, आपको समझ नहीं आता मुझे पेंटिंग पसंद नहीं है, है ना। तो फिर जो काम करने में हमें मज़ा आता है, जो काम हमें पसंद होता है, उसी को करने में तो हमें मज़ा आता है ना। तो फिर ये कह रहे हैं वी हैव फन व्हेन वी डू थिंग्स वी एंजॉय। तो जिन कामों को हम करते हैं और जो हमारे पसंद वाले काम होते हैं, जिन कामों को हम लाइक करते हैं, उनमें उनको ही करने में हमें अच्छा लगता है। और इसे हम क्या कहते हैं, रिक्रिएशन। कोई बच्चा ये लिखेगा नहीं, मैं सिर्फ इस पर सिर्फ लिख रही हूँ आपके लिए। इसको हम क्या कहते हैं, रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब होता है एम्यूजमेंट, इन्जॉय, रिलैक्सेशन, रिफ्रेशमेंट। तो इतने सारे वर्ड्स, तो इसका मतलब होता है, रिक्रिएशन का मतलब होता है रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेश हो जाना। जब आप अपने पसंद का काम कर लेते हो, पढ़ते पढ़ते थक गए, होमवर्क भी कर लिया, वीडियो भी देख ली, लर्न भी कर लिया, कॉपी भी कंप्लीट कर ली, मम्मा अब तो खेलने दो, क्योंकि खेलने से आपको क्या मिलता है, आपका रिक्रिएशन हो जाता है, मतलब रिफ्रेशमेंट हो जाता है, आप एकदम फ्रेश हो जाते हो, है ना, और रिलैक्स भी हो जाते हो। तो इट हेल्प्स अस टू रिलैक्स अवर माइंड, उससे हमारा जो दिमाग पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, छोटे छोटे से तो बच्चे हैं, तो जब हम थक जाते हैं तो हमारा जो माइंड होता है वो कैसे रिलैक्स होता है, बाय डूइंग रिक्रिएशन। जब हम रिक्रिएशन करते हैं, मतलब हम रिफ्रेश हो जाते हैं, तब हमारे को रिलैक्स मिलता है। वी फील हैप्पी वाइल डूइंग थिंग्स वी लाइक। तो अब ये कह रहे हैं कि जब हम अपने पसंद के काम करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। वी हैव रिक्रिएशन इन मैनी वेज, अब हम अपने आप को रिफ्रेश जब करते हैं, रिक्रिएशन को और क्या कह सकते हैं, रिफ्रेश करना, ठीक है। तो जब हम रिफ्रेश हो जाते हैं तब हम अच्छा फील करते हैं, और हम ये जो रिफ्रेश होता है ना, हम अलग अलग तरीके से फ्रेश होते हैं। कैसे, कोई बच्चा खेल के, कोई बच्चा पेंटिंग करके, कोई बच्चा सो जाता है, कोई बच्चा टीवी देखने लगता है, कोई बच्चा पार्क में घूमने चलाता है, किसी को साइकिल चलाना पसंद है, तो किसी को रस्सी कूदना पसंद है, ढेर सारे काम होते हैं, वही इन्होंने बताया है। इन द इवनिंग वी गो टू चिल्ड्रंस पार्क एंड प्ले क्रिकेट, आप शाम को आप भी गार्डन में जाते हो, पार्क में जाते हो खेलने के लिए, है ना। फिर समटाइम्स आई राइड माई बाईसाइकिल और लर्न टू डांस, और कभी कभी मेरे को बाईसाइकिल पसंद है चलाना, कभी कभी डांस पसंद है। ये तो नीतिका को पसंद है, आपको भी कुछ कुछ चीज़ें पसंद हो सकती हैं, है ना। समटाइम्स आई गो फॉर स्किपिंग टू, रवि लाइक्स टू स्विम। अब वो कह रही है कि कभी कभी मैं स्किपिंग, स्किपिंग मतलब रस्सी कूदना, तो रस्सी भी कूदती हूँ, और जो रवि उसका भाई है उसे क्या पसंद है, स्विमिंग पसंद है, तो स्विमिंग भी आप जाते होंगे। इवनिंग क्लासेस लगती है ना, क्या कहते हैं उसको, जो छुट्टियों की समर वैकेशन की जो क्लासेस लगती है उसमें स्विमिंग भी सीखते हैं कुछ बच्चे।
When it is very hot, we stay in our home. और लेकिन जब बाहर बहुत गर्मी होती है, जैसे कि आजकल हो रही है, तो कोई बच्चे की मम्मा तो जाने नहीं देगी बाहर, है ना? आप चुपके से निकलने की कोशिश करते हो, लेकिन मम्मा कान पकड़ के वापस लेके आती है. क्यों? क्योंकि मम्मा जानती है कि इतनी धूप में अगर खेलोगे तो फीवर आ जाएगा, बुखार आ जाएगा. तब हम क्या करते हैं? फिर चुपचाप घर में बैठ के टीवी देखते हैं. टीवी में हमारे बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं. आपके तो पसंदीदा कार्टून शो, वो तो आप सारे दिन देख सकते हो, है ना? उसमें थोड़ी ना थकते हैं अपन. उसके बाद जो ये नीतिका बोल रही है कि जो उसका भाई है ना रवि, उसको तो तबला बजाना पसंद है. आपके भी कोई बच्चे ऐसे होंगे जो गिटार बजाते होंगे या फिर और भी चीज़ें पसंद होंगी, डांस करते होंगे, है ना? आजकल तो बच्चे बहुत सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया डांस करते हैं. हमें तो आता ही नहीं है डांस करना. तो रवि जो है उसका भाई, वो तबला बजाता है और वो डांस की प्रैक्टिस करती है, उसे डांस करना पसंद है. वी लाइक टू वॉच कार्टून मूवीज़. और फिर वो कह रही है कि उसको आपकी तरह कार्टून मूवीज़ देखना भी पसंद है, क्योंकि वो भी तो आपकी तरह छोटी सी बच्ची है ना? फिर Sometimes we play indoor games. कभी कभी वो indoor games खेलती है. अच्छा, जो बाहर जाके खेले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? Outdoor games. Out मतलब बाहर, door मतलब दरवाज़ा, games मतलब खेल. तो जो खेल हम अपने घर के दरवाजे से बाहर जाके खेलते हैं वो कहलाते हैं outdoor games. ठीक है? और जो हम अपने घर के अंदर खेलते हैं उन्हें कहते हैं indoor games. तो आपके पास दो वर्ड्स आ जाते हैं, आउटडोर गेम्स और इनडोर गेम्स. ठीक है? तो ये बच्चों को लिखना नहीं है, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया. लेकिन कुछ होशियार बच्चे लिख देते हैं, होशियार नहीं बुद्धू बच्चे. ठीक है? तो ये लिखना नहीं था. अब ये कह रहे हैं कि हम जब इंडोर गेम्स खेलते हैं, घर के अंदर खेलते हैं, तो क्या क्या खेलते हो? लूडो, स्नेक एंड लैडर्स, कैरम, यही सब तो खेलते हो अपन. कभी कभी कार्ड्स खेल सकते हैं, कभी कभी चेस खेल सकते हैं. बहुत सारे गेम्स ऐसे होते हैं जो हम घर के अंदर बैठ के खेल सकते हैं. फिर कह रहे हैं ऑन हॉलीडेज़ वी गो फॉर अ पिकनिक. तो अभी तो कोरोना चल रहा है, कोई बच्चा कहीं जा नहीं सकता. लेकिन जब कोरोना नहीं था तब हम क्या करते थे? छुट्टी के दिन में हम कहाँ जाते थे? पिकनिक पे जाते थे. जाते थे ना? वी प्ले इन द ओपन एंड हैव अ लॉट ऑफ फन. और वहाँ हम बहुत खुले मैदान में खेलते थे. ओपन मतलब खुला, बहुत बड़ी सी फील्ड होती है ना, तो बहुत बड़ी जगह पर हम खेलते हैं और हमें बहुत मज़ा आता है, अ लॉट ऑफ फन. फिर वो क्या बोल रही है? वी ऑल्सो गो टू जू. जू मतलब चिड़ियाघर. और चिड़ियाघर में आप क्या देखते हो? चिड़ियाघर में आप देखते हो ढेर सारे अलग अलग तरीके के एनिमल्स, है ना? लॉयन, ज़ेब्रा, टाइगर, स्पैरोज, हिप्पोपोटामस और भी बहुत सारे होते हैं, बर्ड्स होते हैं, इसके बाद स्नेक्स होते हैं, क्रोकोडाइल भी होता है कई बार. तो ये सब हम कहाँ देखते हैं? जू में देखते हैं, है ना? और आपको एक चीज़ बताऊँ, जू में हमें कभी भी जानवरों के साथ परेशान नहीं करना चाहिए, उनको उनसे दूर ही देखना चाहिए. ज़्यादा पास जाने की ज़रूरत नहीं है. एक बार आपको पता होगा, मम्मा से पूछना या पापा से पूछना, एक बार दिल्ली में एक लड़का बड़ा था, छोटा बच्चा भी नहीं था, बड़ा बच्चा एक शेर को ऐसे देखते 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 उससे उधर जाके गिर गया, शेर ने उसे खा लिया. इसीलिए दूर रहो भाई, दूर, शेर से नहीं खाना चाहिए, बहुत डर लगता है ना? तो ये कह रहे हैं कि वी ऑल्सो गो टू जू, वी enjoy watching द एनिमल्स देयर, वी शुड नॉट टीज द एनिमल्स इन द जू. अब कुछ गंदे बच्चे क्या करते हैं? उनको पत्थर मारेंगे. अच्छी बात है, अगर जानवरों को पत्थर मारना कोई अच्छी बात है, अगर हमें कोई पत्थर मारे तो कितनी चोट लगेगी. इसीलिए किसी को टीज नहीं करना, टीज मतलब परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तो वो बच्चों पिंजरे में बंद हैं. लेकिन अगर उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने पिंजरा तोड़ दिया, तब वो क्या करेंगे? तब वो उसको ही खा जाएंगे जिसने उसको पत्थर मारा होगा, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स हैं. शेर के साथ मजाक नहीं बाबा, शेर को तो दूर से देख के आ जाओ, अच्छा बाबा, अच्छा तुम बहुत बढ़िया लग रहे हो, एकदम स्मार्ट, मैं तो चला. क्योंकि शेर गुस्से में आके कभी उसने पिंजरा तोड़ दिया तो पागल कर देगा वो, तो सबको सबको खा जाएगा. बापरे, मुझे तो बहुत डर लगता है. समटाइम्स मैं तो पता है जू ही नहीं जाती थी बचपन में डर के मारे. समटाइम्स अवर पेरेंट्स टेक अस टू द सर्कस. कभी कभी हम सर्कस जाते हैं. सर्कस देखा होगा कुछ बच्चों ने. सर्कस में क्लाउंस होते हैं जिनको हम जोकर कहते हैं, वो हमें हंसाते हैं. इसके बाद एक्रोबैट्स वगैरह होते हैं और स्टंट करते हैं. आपने कभी देखा है सर्कस में वो ऊपर से आएंगे, नीचे कूदेंगे, फिर ऊपर चले जाएंगे, पता नहीं क्या क्या, तो वो सब स्टंट कहलाते हैं. स्टंट तो समझते होंगे, जब मूवीज़ में भी तो हम देखते हैं, एक हीरो ने बाइक से ऊपर से नीचे कूद गया फिर भी उसकी बाइक नहीं टूटी,
या फिर जो हीरो होता है वो एरोप्लेन सॉरी हेलीकॉप्टर में से नीचे लटक गया, उसने इतने सारे गुंडों को मार दिया लेकिन उसको तो एक भी गोली नहीं लगती, ये सब स्टंट कहलाते हैं। इसको कभी वो मत करना, कोशिश मत करना छत पे से कूदने की, नहीं तो हाथ पैर टूट गए, है ना, हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। तो ये सब स्टंट कहलाते हैं और ये मूवीज़ में ऐसे ही दिखाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो करने वाले स्टंट करने वाले लोग अलग होते हैं, उनको बहुत बहुत प्रैक्टिस कराई जाती है स्टंट्स करने की। और जो ये हमारे सर्कस में जो स्टंट करते हैं उनको हम कहते हैं एक्रोबैट्स। उनको क्या कहते हैं? एक्रोबैट्स, ACROBATS। और ये काम क्या करते हैं? स्टंट करते हैं, छत पे से कूद गए, गोलियों से भी नहीं मरे, ऐसे टाइप की जो चीज़ें होती हैं ना जादू वाली, वो सर्कस में ही होती हैं। इसके बाद फिर हम कहते हैं कि वी एन्जॉय गोइंग टू मेला। मेला भी सब बच्चे गए होंगे, मेले में कितने सारे झूले होते हैं, ढेर सारी चीज़ें खाने की होती हैं, मज़ा आता है मेले में भी। और होता है एक म्यूज़ियम, म्यूज़ियम समझते हो, म्यूज़ियम भी गए होंगे बच्चे, जयपुर में है ना हमारे पास म्यूज़ियम। म्यूज़ियम जो होता है उसमें पुराने ज़माने की चीज़ें रखी जाती हैं, पुराने ज़माने की चीज़ें, आपको पता है मम्मी भी रखी जाती है, मम्मी मम्मी नहीं मम्मी, है ना, मम्मी का मतलब होता है। कुछ कुछ देशों में पहले क्या होता था, जब कोई मर जाता था ना तो उसकी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें डालकर उसको जलाते नहीं थे, है ना, उसको गाड़ के भी नहीं आते थे कि भाई मर गया तो जाओ अब, लेकिन उसको क्या करते, संभाल के रखते थे। जो सबकी नहीं, जो राजा वाजा होते थे या कुछ कुछ लोग होते थे स्पेशल, उनकी रखी जाती होंगी, या पता नहीं सबकी भी रख सकते हैं। तो उनके अंदर बहुत सारा कुछ ऐसे चीज़ें डाल देते थे जिससे उनकी बॉडी सड़ती नहीं थी, ख़राब नहीं होती थी। वो डेड बॉडीज़ रखी हैं म्यूज़ियम में, अपने जयपुर के म्यूज़ियम में। मुझे तो बहुत डर लगता है, ऐसा लगता है कि भगवान ये कहीं अगर इसने मेरा हाथ पकड़ लिया तो, उसकी अगर आँख खुल गई मैं ज़िंदा हूँ तो क्या होगा। और रात को तो कोई भी नहीं जाएगा म्यूज़ियम में, अगर आपके अंदर इतनी दम है तो आप जाकर देख के आना। भाई मुझे तो बहुत डर लगता है, पर कुछ बच्चे तो डरते ही नहीं है। तो म्यूज़ियम में हम ऐसी ऐसी चीज़ें देखते हैं, ठीक है, पुरानी ओल्ड एंड वंडरफुल चीज़ें, है ना, बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें, राजा महाराजाओं के कपड़े, उनकी तलवारें, है ना, और वो तोप, तोप के गोले, बड़ी बड़ी पिस्टल्स, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, है ना, वो उनकी ड्रेसेस वगैरह सब देखते हैं। तो म्यूज़ियम में हम हमेशा ओल्ड एंड वंडरफुल चीज़ें देखते हैं। ओके जी, अब ये कह रहे हैं कि म्यूज़ियम में के अलावा हम और क्या क्या चीज़ों को एंजॉय करते हैं। वी ऑल्सो एंजॉय वॉचिंग पपेट शोज़। पपेट शोज़ देखें, कभी नखराली ढाणी गए हो, वहाँ पर वो कठपुतलियों का डांस दिखाते हैं, राजस्थान में तो बहुत होता है, तो वो कठपुतली वाला ऐसे ऐसे डांस दिखाते हैं ना, तो उसे कहते हैं पपेट शो, ठीक है। वी लाइक मीटिंग अवर रिलेटिव्स एट बर्थडे पार्टी। और क्या क्या करते हैं हम अपनी फैमिली के साथ, जब किसी का बर्थडे होता है तो वहाँ इन्जॉय करते हैं। वेडिंग मतलब शादी में जाते हैं, है ना, चाचू की, मामू की, पता नहीं किस किस की शादियों में जाते हैं, है ना। वी वियर न्यू ड्रेसेस, वी ईट लॉट्स ऑफ टेस्टी फूड। और वहाँ हम क्या करते हैं पार्टीज़ में जाके, चाहे बर्थडे पार्टी हो, चाहे किसी की वेडिंग, वेडिंग मीन्स किसी की शादी हो, हम वहाँ पे सुंदर सुंदर बढ़िया ड्रेस पहन के राजा बाबू बन के पहुँच जाते हैं और सारे दिन बस ये खाते रहते हैं, कभी ये चीज़ खानी है, कभी वो चीज़ खानी है, और पेट एकदम मोटा हो जाता है। यही तो, तभी तो मज़े आते हैं, है ना। Everyone feels very happy, और सबको बड़ा मज़ा आता है, सब बहुत खुश होते हैं। We enjoy with our family members at such function, और हम बहुत सारे मज़े करते हैं अपने family members के साथ। इसके बाद ये कह रहे हैं last, our elders tell us interesting bedtime stories। तो bedtime story किसे कहते हैं? BED, bed, TIME, bed time। bed time का मतलब होता है जब हम सोने वाले होते हैं, उस टाइम को हम कहते हैं BED, bed, TIME, time। तो जो बेड टाइम होता है, हमारा सोने का समय होता है, उस वक्त आपने किया होगा, और ना किया हो तो कभी सुनना, दादाजी को बोलना मुझे कहानी सुनाओ, दादी को बोलना सुनाओ, नानी के घर जाते हो वहाँ नाना जी और नानी जी को बोलना, वो आपको ऐसी बढ़िया बढ़िया कहानी सुनाएंगे और आप उस कहानी को सुनते सुनते आराम से सो जाओगे, बढ़िया नींद आएगी, ठीक है। तो इसे कहते हैं बेड टाइम स्टोरीज, और ये सुनने में बहुत मज़ा आता है, और कुछ कुछ बच्चे तो स्टोरी बुक्स भी पढ़ते हैं, है ना। रिक्रिएशन कीप्स अस फ्रेश एंड एक्टिव। तो ये सब कुछ हमने क्या किया, हम पिकनिक, म्यूज़ियम, ज़ू, मेला, बर्थडे पार्टीज़, वेडिंग पार्टीज़, है ना, आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स, ये सारे हमको क्या करते हैं, फ्रेश करते हैं। जब हम पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं तब हम ये सब करके फ्रेश हो जाते हैं, इसको हम क्या कहते थे, रिक्रिएशन, ठीक है। तो इसका मतलब रिक्रिएशन से हमें क्या मिलता है,
फ्रेश हो जाते हैं हम और हमारे को रिलैक्स मिलता है और हम फिर से एक्टिव हो जाते हैं पढ़ाई के लिए, है ना। तो रिक्रिएशन कीप्स अस फ्रेश एंड एक्टिव। तो ये है आपका चैप्टर, चैप्टर ख़त्म। अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करा दूंगी, हार्ड वर्ड्स और वर्ड मीनिंग की आपको वो मिल जाएंगी शायद पीडीएफ्स, या चलो लिखवा देती हूँ, है ना, ऐसा कर लेती हूँ। पता नहीं पीडीएफ बनाई है कि नहीं बनाई है, तो चलिए ठीक है, ओके, तो हम इसको लिख लेते हैं। ठीक, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लिखवाती हूँ, अभी मैंने आपको समझा दिया, अब नेक्स्ट वीडियो में आपके हार्ड वर्ड्स, वर्ड मीनिंग्स और एक्सरसाइज कराऊंगी। ठीक है, एक्सरसाइज सब बच्चों को इस बुक में ही करनी है और हार्ड वर्ड्स और वर्ड मीनिंग्स हैं वो ही सिर्फ कॉपी में करने हैं। तो चलिए सब बच्चे अपना ख्याल रखेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ वेरी नाइस डे ऑल ऑफ यू, बाय बाय।